हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पाकिस्तान में जो भयानक बाढ़ आया है ना, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे भी इंडिया से उनका क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री क्या बोलता है हम देखेंगे, और पूरा जो पाकिस्तान में जो जो फ्लड का मैनेजमेंट है, एक्चुअली मिसमैनेजमेंट हुआ है, हम उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको पता होगा ये पाकिस्तान में रिसेंटली एक बाढ़ आया है। ऑलमोस्ट कंट्री का ना 1/3 पोर्शन पूरा पानी के अंदर है। और आप मान लीजिए, देखिए बहुत सारा आप जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे ना, वहाँ पे बोला गया है कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान का 30 बिलियन का लॉस हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग जो एग्जैक्टली डिफेंस एनालिस्ट हैं, तो और जो पाकिस्तान में रह रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं, जो उनका लॉस हुआ है ना, वो मोर देन 30 बिलियन है, और रफली 50 to 60 बिलियन का लॉस हुआ है। और तो इस अब चले जाता है डायरेक्ट, ये जो नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ का जो एक ट्वीट आया था ना, तो देखिए जब पाकिस्तान में सच में ये डिवेस्टिंग फ्लड्स आया था, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक नॉर्मल सा ही मैसेज कर दिया कि हम पाकिस्तान में जैसे फ्लड आया है ना, तो उसके लिए दुख प्रकाश करते हैं, ऐसा बोल के उन्होंने मैसेज का एक ट्विटर में लिख दिया था। लेकिन पता नहीं शहबाज शरीफ को क्या हो गया था। शहबाज शरीफ करेंटली पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, या इमरान खान को हटा के ये तो अभी बन गया है। तो इन्होंने क्या किया है, डायरेक्ट वो सब तो मुद्दा पता नहीं क्यों एड्रेस नहीं किया। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, कश्मीर के बारे में इन्होंने ट्वीट कर दिया। तो जिसके कारण अब उसके बाद तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी ने कोई रिस्पॉन्स तो नहीं किया। लेकिन आप सोच लीजिए, एक कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर आपको बस संवेदना जताने के लिए आपको कुछ ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप ये कश्मीर इशू को लाना, ये क्या सच में ज़रूरत था? मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन शहबाज शरीफ ने पता नहीं किसने इन्हें एडवाइस करता है, तो इन्होंने क्या किया, वो कश्मीर के इशू को ट्वीट कर दिया था। और इंडिया में आपको पता होगा कश्मीर इशू थोड़ा सेंसिटिव है, जिसके बारे ऊपर ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना नरेंद्र मोदी किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और आप जब ये कुछ आर्टिकल पढ़ेंगे ना, ये सब इंटरनेशनल आर्टिकल्स हैं, ठीक है। पाकिस्तान, आपको पता होगा जो उनका जो डिजास्टर प्रोग्राम है ना, डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम मान लीजिए, और डिजास्टर से बचने के लिए क्या क्या तरीका होना चाहिए, इंडिया में तो बहुत एफिशिएंट है। उसके बाद भी आप देखेंगे बेंगलोर, दिल्ली, यहाँ पे जो रेनी सीजन में पानी जम जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। इवन एक आर्टिकल है, ये यूनाइटेड नेशन का एक रिपोर्ट था, वहाँ पे बोला गया था कि पाकिस्तान लेस रेजिलिएंट है, मतलब उनका जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बोल लीजिए, या कुछ प्रोसेस होता है डिजास्टर से बचने के लिए, वो सब चीज़ों में ये लोग उतना काम किया नहीं है, तो जिसके कारण ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। उसके बाद देखिए, जब आपके पास डिजास्टर आ जाता है, तो डायरेक्टली आपका जो फर्स्ट इम्पैक्ट होता है वो है खाना। लेकिन वहाँ पे भी आप देख लीजिए, वहाँ पे भी ये सिया सुन्नी को इशू खड़ा कर दिया। वहाँ पे एक्चुअली एक टमाटर आया था ईरान से। ईरान आपको पता होगा ये सिया कंट्री है, और ये टमाटर आया था पाकिस्तान में, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया था, ये टमाटर को बर्बाद कर दिया है। आप यहाँ पे ये जो ट्वीट है ये देखिए, ये ऐसे टमाटर को उन्होंने फेंक दिया पूरा रोड में। वहाँ पे खाने के लिए इन्हें ये टमाटर ऑलमोस्ट 300 या 500 रुपीज़ में बिक रहा है, लेकिन ये देखिए ये सब उन्होंने कर दिया है। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया, अब प्रॉब्लम इतना तक यहाँ पे सीमित नहीं रहेगा। मान लीजिए ये तो देखिए आज नहीं तो कल पानी चला ही जाएगा, क्योंकि देखिए अभी विंटर सीजन आ रहा है, ठीक है, पानी तो चला जाएगा। लेकिन इसके बाद मान ली वहाँ पे जो जो बीमारियाँ फैलना स्टार्ट होगा, वो उसमें है ये मलेरिया सबसे ज़्यादा होगा। और आपको पता होगा मलेरिया से ही, मतलब मस्कीटो के वजह से पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोगों का मतलब मृत्यु होता है। तो अब डिजास्टर के लिए उनके पास उतना फ्रेमवर्क नहीं है, उसको कैसे मैनेज करेगा वो नहीं पता। लेकिन डिजास्टर के बाद जो प्रॉब्लम्स आता है ना, उसको कैसे हैंडल करेगा, उसके लिए भी इनके कोई मतलब दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट।
इसके बाद आप सोच लीजिए, जब ये यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है ना, वहाँ पे ये जो पाकिस्तान का जो अभी फॉरेन मिनिस्टर है, इन्होंने जब कश्मीर ये उनका जो कंट्री का हालात के बारे में डिस्कस कर रहा था ना, उस टाइम पे इन्होंने क्या कर दिया पता है, ये कश्मीर इशू फिर से उठा दिया। इन लोगों को पता नहीं क्या होता है, जो अपना जो कंट्री है उसके बारे में नहीं, बार बार ये जो इशू होता है ना कश्मीर का, यही चीज़ उठाता रहता। और एक चीज़ है यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बोलना चाहूँगा, इन्होंने एग्जैक्ट क्या बोला है, इन्होंने बोला है आई हैवंट सीन एनी साइन एट द मोमेंट इंडिया इज नॉट वन ऑफ द कंट्री दैट हैड ऑफर्ड असिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आप देखिए, हम लोग असिस्टेंस देंगे क्यों तुम्हें, ये तो सोचो तुमने क्या किया। तुमने ये जो देखिए, ये जो पाकिस्तान अभी भी देखिए, वहाँ पे फ्लड चल रहा है, लेकिन इन लोगों को क्या है, ये कश्मीर में टेररिज्म फैला रहा है। और ये रूल मतलब पूरा रूल सेटअप कर दिया इन लोगों ने, पाकिस्तान का जो ISI है ना, ये जो जम्मू कश्मीर में हर दिन कोई ना कोई, इधर वो नॉन मुस्लिम मरेगा, वो मान लीजिए बिहार से कोई जाता है वहाँ पे मतलब अपना फैमिली को देखभाल करने के लिए, वहाँ से कुछ पैसा कमाता है, घर भेजता है, पहले उन लोगों को मारता है, उसके बाद क्या करता है आपको पता होगा, दो तीन दिन पहले वो लोगों को 20,000-10,000 ऐसा पैसा देता है, उनको भेज देता है इंडिया में इंडियन आर्मी से फाइट करने के लिए। और उसके बाद इन लोगों को बोलता है कि अच्छा मुझे हमें कोई और असिस्टेंट ऑफर नहीं हुआ, क्यों देंगे असिस्टेंट तुम्हें, एक बार भी सोचा है तुमने। उसके बाद देखिए, एज फार एज माई पार्टी कंसर्न, माई PM पार्टी कंसर्न, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ पीसफुल एनवायरमेंट। अब देखिए ये लोग बोल रहे हैं दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ पीसफुल एनवायरमेंट विद इंडिया, कैसे पीसफुल एनवायरमेंट क्रिएट करता है, थ्रू दिस टेररिज्म। यही इन लोगों को पूरा जो 75 साल से इन लोगों ने यही किया है और आज भी वही कर रहा है। उसके बाद इनका देख लीजिए, एंड वी हैव कंसिस्टेंसली स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी फॉर एंगेजमेंट विद इंडिया, बट इंडिया इज फंडामेंटली चेंज। हाँ हम लोग हो गए चेंज, हम लोग हट गए। ये इन लोगों को लगता क्या है कि ये UPA का गवर्नमेंट थोड़ी है कि हमें अच्छा चलो मुंबई ब्लास्ट हो गया, हमारा जो आर्मी के लोग हैं उनको मार देगा, उसके बाद सोच लेगा कि हाँ ठीक है टेररिज्म कोई इशू नहीं है, मतलब एंगेज करते हैं, क्यों एंगेज करे, कोई रीज़न थोड़ी है। ये देख लीजिए, ये इन्होंने और भी बोला था कि इट इज़ इनक्रेडिबल डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान विद इंडिया। हाँ हो गया है डिफिकल्ट, अभी ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद इन लोगों ने ये देखिए, ये वो बोल रही है कि आई थिंक द यंगर पीपल डू हैव अ स्पेस ऑफ सेंस दैट वी आर कैरिंग द बैगेज ऑफ द पास्ट एज मच, अनफॉर्चुनेटली एज आई मेंशन इवन फॉर अस पाकिस्तान हु हैव बीन स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी फॉर पीस विद इंडिया एंड एंगेजमेंट विद इंडिया एंड एक्शन अगेंस्ट ऑगस्ट 2000 हैव रियली ट्रूली मेड इट इनक्रेडिबल डिफिकल्ट फॉर अस। अब ये एक्चुअली यहाँ पे इसको पता है ये किसके बारे में बोल रहा था, ये उसके बारे में बोल रहा था जब कश्मीर से आर्टिकल 370 और धारा 35A वो हट गया था, ये उसके बारे में बात कर रहा है। अब इनका देखिए, इनका IQ लेवल, एक जो कंट्री है पूरा पानी के अंदर है, ठीक है ना, उनके पास कुछ एक्सपोर्ट है ना, कुछ उनके पास एडुकेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटी कुछ नहीं है, उनको बस क्या चाहिए, कश्मीर चाहिए। अब इनको कौन क्या देगा पता नहीं। और ये देखो महान लोग इतना अच्छा काम करता है ना, ये लोग अभी फैटअप का ग्रे लिस्ट में है, आपको पता होगा फैटअप का ग्रे लिस्ट में वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग दोनों की वजह से यहाँ पे जाता है। उसके बाद देखिए इनका डॉलर टू PKR देखिए, मतलब पाकिस्तानी रुपी, एक डॉलर मतलब 240 रुपये है। अब ऐसा नहीं कि इंडिया का भी बहुत अच्छा है, लेकिन इनसे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और इन लोगों को फिर क्या चाहिए, फिर वो वही बोलेगा नौटंकी हमें कश्मीर दे दो, ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए और एक चीज़ है मैं आपको ये यहाँ पे बोलना चाहूँगा, देखिए आपको पता होगा ये जो इंडियाज़ वैली जब सिविलाइजेशन हमारा था ना इधर, ये जो पाकिस्तान एरिया, पाकिस्तान से थोड़ा कश्मीर इधर हरियाणा पंजाब में, इस ये जो पूरा इवन गुजरात में भी आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब ख़त्म हो गया ना, तब उसके पीछे भी ये रीज़न था कि फ्लड्स मान ली, और फ्लड्स के बाद पूरा उस एरिया पे ना ऐसा सिचुएशन, वो खरा का सिचुएशन आ जाता है, मतलब एक भी पानी नहीं आएगा।
तो ये सब चीजें सेम चीज पाकिस्तान में रिपीट हो रहा है और पाकिस्तान इसके ऊपर काम नहीं करेगा ना तो पाकिस्तान बच नहीं पाएगा ज्यादा दिन तक।